नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। 29 नवंबर है और आज फ्राइडे का दिन है। इसी के साथ एस्ट्रो तक से अब आप जुड़ सकते हैं, ताकि आपके जरिए डाउनलोड करने के लिए गूगल स्टोर पर जा सकते हैं। और आज हम बात करेंगे कि मार्गशीर्ष का, यानी कि अघन का महीना ही चल रहा है, और इस महीने में ही गीता जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। गीता जयंती, आप सभी जानते हैं कि मार्गशीर्ष का महीना खास इसलिए है, या भगवान श्री कृष्ण की पूजा इस महीने में इसलिए करी जाती है, क्योंकि इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश दिए थे अर्जुन को कुरुक्षेत्र की भूमि पर। इसीलिए ये महीना बहुत खास माना जाता है भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए। इस महीने के अंदर क्योंकि गीता जयंती भी पड़ती है, इसलिए भगवद गीता अगर आपके घर में नहीं है तो भगवद गीता को घर में ला कर के भगवद गीता का पाठ करना हर रोज़ बहुत अच्छा माना जाता है। जिन लोगों के माइंड में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा रहती है, बात बात पर एंग्जाइटी हो जाती है, आप फोकस नहीं बना पाते, खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो लोग अध्ययन करते हैं, उन लोगों के लिए इस समय पर ये महीना बहुत अच्छा माना जाता है गीता या भगवद गीता के पाठ के लिए। चलिए इसी के साथ अब बात करते हैं आप लोगों के लिए राशियों की, और जानते हैं कि आज का दिन आप सबके लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एरीज की। द हैंड मैन और सिक्स ऑफ सोर्ड्स कार्ड निकल रहा है, आज कोई ना कोई शुभ समाचार मिल सकता है, स्वाभिमान आज बना हुआ रहेगा। इसके अलावा व्यवसाय आप लोगों के लिए आज बेहतर दिखाई दे रहा है। जीवन साथी की स्वास्थ्य की चिंताएं आज हो सकती हैं, कोशिश करें कि वाद विवाद ना करें। आज लक्ष्मी स्रोत का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। टॉरेंस की बात करते हैं, द वर्ल्ड एंड नाइन ऑफ कप्स कार्ड निकल रहा है, नौकरी मिलने के लिए जो प्रयास कर रहे थे उसमें आज के दिन में सफलता मिल सकती है, कारोबार में लाभ होगा, लेकिन थोड़ा बहुत शत्रु भय हो सकता है, अपने राइवल्स या अपने कॉम्पिटिटर्स की तरफ से एक तरह का स्ट्रेस आपको मे बी आज बना हो सकता है। व्यावसायिक यात्राएँ आज के दिन में सफल होंगी, माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प जरूर अर्पित कीजिएगा, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस खत्म होंगी। मिथुन राशि, द हायरोफेरेंट एंड द जजमेंट कार्ड निकल रहा है, आप लोगों के लिए आज फालतू खर्च से बचने का दिन है। लेन देन हालांकि आपको सावधानी से करना पड़ेगा, कोशिश कीजिएगा कि पार्टनरशिप में ही आप कोई भी काम करें या कोई भी डील्स फाइनलाइज करें, वो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेंगी। जो लोग मार्केटिंग लाइन से जुड़े हैं, एचआर लाइन से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन अच्छा दिखाई दे रहा है। खासतौर पर नई नौकरी मिलने के लिए आज इंटरव्यूज प्लान अप कर सकते हैं, आप लोगों के लिए आज सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सरकारी पक्ष से भी कोई ना कोई अच्छी खबर आज सुनने को मिल सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखना लेकिन ज़रूरी रहेगा, राज्य पक्ष से आज लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। काले कपड़े पहनना आज अवॉइड करना चाहिए, कोशिश कीजिए माँ लक्ष्मी के किसी भी मंदिर में जाकर के सुहाग का सामान या खासतौर पे लाल रंग की चूड़ियाँ आप ज़रूर दान करें। कर्क राशि, द लवर्स एंड एट ऑफ कप्स कार्ड निकल रहा है, आप लोगों को आज ध्यान रखना चाहिए, जो भी अनस्टेबिलिटी थी तो वो अब तक खत्म हो रही है, और खासतौर पे पैसे को लेकर जो चिंताएं आपके लिए बनी हुई थी वो भी आज के दिन में खत्म हो सकती हैं। किसी से अगर आपने कर्जा लिया हुआ था तो उसको उतारने के बारे में सोच सकते हैं, दैट मीन्स जो आपका एक सोर्स ऑफ इनकम है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ में आज सेहत पर ध्यान रखना भी जरूरी रहेगा, कर्क राशि वाले लोग आज के दिन में छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस ले सकते हैं। घर के छोटे बच्चों की स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, आज खासतौर पर नज़र दोष से मुक्ति के लिए उपाय ज़रूर करने हैं, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है, कोशिश कीजिए सफ़ेद चीज़ों का दान ज़रूर करें, और घर के जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर से नमक का उतारा करके 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उनके ऊपर से उतार करके किसी भी आप पानी में बहा दीजिए। बेसिकली आप घर के वॉश बेसिन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घर के जो वॉश बेसिन होता है उसमें जो पानी आता है टैप्स में, आप वहाँ पर भी उस नमक को बहा सकते हैं उनके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार करके। सिंह राशि की बात करते हैं, 7 of Wands एंड 10 of Wands कार्ड निकल रहा है, आर्थिक नीति में परिवर्तन आज के दिन में करने के बारे में आप लोग सोच सकते हैं, कार्य प्रणाली में सुधार आएगा आप लोगों के लिए, और खासतौर पे आज मान सम्मान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पर अगर बात करें हेल्थ इश्यूज़ की तो अस्वस्थता बढ़ सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा कामकाज के चक्कर में, ऐसा नहीं अपनी सेहत को आप निग्लेक्ट कर दें। नई योजनाओं की शुरुआत करने के बारे में सोच सकते हैं, आज किसी भी गरीब को या किसी ज़रूरतमंद इंसान को कंबल का दान जरूर कीजिएगा, या फिर कपड़े का दान, जो इस समय पर जो सीजनल चेंज है उसके अकॉर्डिंगली आप किसी भी ऐसी चीज़ों का दान कपड़े से जुड़ा हुआ ज़रूर कीजिए। कन्या राशि की बात करते हैं, 7 of Pentacles एंड किंग ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकल रहा है, पूजा पाठ में आज मन लगेगा, कोर्ट कचहरी के कार्य आज संपन्नता के साथ बन सकते हैं, निबट सकते हैं, धन प्राप्ति के योग नजर आ रहे हैं, और भूमि संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है वो पूरा हो सकता है। श्री यंत्र की स्थापना करना आज अपने घर में अच्छा रहेगा। तुला राशि, द क्वीन ऑफ पेंटाकल्स एंड 9 of Wands कार्ड निकल रहा है, आज वाणी में हल्के शब्दों का प्रयोग करने से बचें, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपकी बातों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा सकती है, तो ज़रूरी है आप जो भी बातचीत करें और जो भी आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऐसे होने चाहिए कि किसी की इमोशंस को आज ठेस नहीं पहुँचाएं, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा जो भी बोल रहे हैं जो भी करें थोड़ा सोच समझ कर कीजिएगा, जल्दबाजी आपको आज नुकसानदायक पड़ सकती है, तो इसलिए जल्दबाजी करने से बचें। जीवन साथी का सहयोग तो मिलेगा आज के दिन में, सरकारी नौकरी की तरफ से भी जो विलंब हो रहा था, जो रुकावटें आ रही थी वो खत्म हो सकती हैं। मीठी चीज़ों का दान करना आज आपके लिए अच्छा रहेगा।
स्कॉर्पियोज द डेथ कार्ड एंड द डेविल कार्ड निकल रहा है आज, आप किसी भी मामले पर ज़रूरत से ज़्यादा ज़िद करने से बचें, क्योंकि वो चीज़ें आपको आज नुकसान दे सकती हैं। थकाने वाला दिन हो सकता है, तनाव थोड़ा सा बढ़ सकता है, इसलिए नए कामों को टाल देना ही आज बेहतर रहेगा। कोशिश कीजिएगा अपने लाइफ पार्टनर के साथ हर चीज़ को शेयर करके चलें। लाल चुनरी किसी भी माँ के मंदिर में जाकर के आपको चढ़ानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि कार्ड निकल रहे हैं आप लोगों के लिए, फाइव ऑफ सॉर्ड्स एंड फोर ऑफ सॉर्ड्स। तो आज के दिन में करियर में जो उम्मीदें हैं या जो आपके इमोशंस जुड़े हुए थे कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, आज के दिन में वो सब चीज़ें रहेंगी। जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी समय से कोशिश करते आ रहे थे उसमें सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीदें नज़र आ रही हैं। आज के दिन में बिज़नेस में आपके जो वाद विवाद थे, अगर किसी तरह का कोई ऐसा फेस चल रहा था, तो वो चीज़ें आज खत्म हो सकती हैं। आज उपाय आपको ये करना है कि माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है और माँ लक्ष्मी को आज इत्र ज़रूर अर्पित करना है। इसके अलावा अगर चांदी का सिक्का आपके घर में है तो उसकी पूजा आज ज़रूर करें, या फिर आपके घर में अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो कोशिश कीजिएगा नॉर्मल कोई भी कॉइन लेकर के एक लाल कपड़े में बांध करके माँ लक्ष्मी के चरणों में आज ज़रूर रखिएगा। मकर राशि नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए, हर काम में आज आपको शारीरिक और मानसिक तौर से थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा। दैट मीन्स यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड हर चीज़ के लिए। आज ऑल ऑफ अ सडन भी आपके सामने कोई ना कोई चीज़ आ सकती है। दोस्तों और चाहने वालों से आज बिजनेस में सहयोग मिल सकता है आप लोगों को, कारोबार अच्छा चलेगा, नौकरी में भी प्रमोशन के योग नज़र आ रहे हैं। आज कोशिश ये करनी है कि डार्कर शेड्स पहनने से बचें, काले या ग्रे कलर के कपड़े पहनने से बचें। आज आपको पिंक शेड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, आपको रेड कलर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, इनफैक्ट येलो कलर भी आज आपके लिए अच्छा रहेगा। कुंभ राशि कार्ड्स निकल रहे हैं सिक्स ऑफ वॉन्स एंड फाइव ऑफ वॉन्स आप लोगों के लिए, काम से जुड़ी प्लानिंग्स आज पूरी हो सकती हैं, जो भी डिलेज आ रहे थे वो खत्म हो सकते हैं। बिजनेस संबंधी कोर्ट कचहरी के मामले जो हैं वो आपके पक्ष में आज जा सकते हैं। कारोबार में आज चीज़ें बढ़ती हुई, ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। जो आपसे जूनियर्स हैं यानी कि अधीनस्थ जो लोग हैं आपके, उनसे आपको मदद ज़रूर मिलेगी, उनसे आपका कार्यभार काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। स्टूडेंट्स की मेहनत से कुछ अच्छे परिणाम आप लोगों को मिलेंगे। कुल मिलाकर दिन अच्छा है आप लोगों के लिए। उपाय आज ये रहेगा, तुलसी के पौधे में दीपक आज ज़रूर जलाएगा। बात करते हैं मीन राशि, द टेम्परेंस एंड सेवन ऑफ सॉर्ड्स कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए, निवेश में रिस्क लेने से बचें। ऐसा नहीं है किसी ने कह दिया और आप आगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो गए। ज़रूरी है कि अगर निवेश करने जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप सोचे समझे उसके बाद ही आप लोग इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। किसी बात को लेकर के घर परिवार में चिंताएँ बढ़ सकती हैं। कार्य क्षेत्र की बात करी जाए तो चीज़ें या फिर आसपास की जो सिचुएशंस हैं वो में भी आज आपके फेवर में थोड़ा सा कम होंगी, तो एडजस्टमेंट्स करने का आज प्रयास ज़रूर करना है आप लोगों को। कुछ नया प्रयास कीजिएगा, अभी इस समय में आप लोग शुरू न करें तो बेहतर है। किसी भी छोटी कन्या को आज भोजन कराना आपके लिए अच्छा रहेगा, या फिर आप लोग डोनेशंस दे सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग एस्ट्रो टेक के साथ।